प्रयागराज से खबर। प्रयागराज में प्रॉपर्टी डीलर आनंद मिश्रा और उनके भाई पर हमला हुआ है। 3 गाड़ियों में सवार लोगों पर फायरिंग और मारपीट करने का आरोप है। मारपीट में प्रॉपर्टी डीलर के भाई अजय मिश्रा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपराधिक मुकदमे की गवाही से रोकने के लिए जानलेवा हमला करने का आरोप है। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में पीएससी कॉलोनी का यह मामला, 4 नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज से है। प्रॉपर्टी डीलर आनंद मिश्रा और उनके भाई पर हमला हुआ। 3 गाड़ियों में सवार होकर के लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, ऐसा आरोप है। और इसी बीच में लखनऊ से बड़ी खबर है। विकास नगर में स्कॉर्पियो ने स्कूटी में टक्कर मारी है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान जाने की बात है। स्कॉर्पियो में फंसकर 100 मीटर तक घिसटती रही स्कूटी। दंपत्ति और 2 बच्चे करीब 100 मीटर तक घिसटते रहे वहां पर। हादसे के बाद भी चालक ने स्कॉर्पियो अपनी नहीं रोकी, ये बात सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, विकास नगर का मामला है। स्कॉर्पियो ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी और दर्दनाक इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। स्कॉर्पियो, ये कहा जा रहा है कि स्कॉर्पियो में फंसकर 100 मीटर तक स्कूटी घिसटती रही वहां पर, लेकिन वहां पर स्कॉर्पियो नहीं रुकी। विवेक मेरे साथ ही इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुट चुके हैं। विवेक, जो ये बात सामने आ रही है कि स्कॉर्पियो नहीं रोकी गई, 100 मीटर तक वो घिसटते रहे स्कूटी सवार जो भी थे, इसमें तथ्य क्या है और कब ये हादसा हुआ? देखिए दीपा, विकास नगर में गुलाचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध जगह है और ट्रैफिक बहुत रहता है वहाँ पे। हालांकि रात 2 बजे करीब ये हादसा हुआ था जब 4 लोगों की मौत है। इसमें स्कूटी सवार सीतापुर के रहने वाले राम सिंह है, उनकी पत्नी है और 2 बेटे। चारों लोग किसी पार्टी से लौट रहे थे। राम सिंह यहाँ पर अलीगंज में ही रह के एक प्राइवेट जॉब करते थे। रात को लौट रहे थे घर पे, उसी दौरान तेज रफ्तार जो स्कॉर्पियो कार है उनको टक्कर मार दी। स्कूटी उस स्कॉर्पियो के नीचे फंस गई और चारों लोग काफी दूर तक घिसटते रहे। आसपास हालांकि कोई मौजूद नहीं था, रात का वक्त था, तो स्कॉर्पियो वाले ने भागने की कोशिश की। जब गाड़ी निकली है उससे करीब 100 मीटर दूर पर जब गाड़ी स्कूटी निकली है, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की और वहां से फरार हो गया। जब हादसा उधर से गुजर रहे लोगों ने देखा, उनको अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनको डिक्लेयर कर दिया था वहां पर, अस्पताल में डेथ डिक्लेयर कर दिया गया, चारों की मौत हो गई। पुलिस ने सुबह स्कूटी के नंबर के आधार पर और स्कॉर्पियो के नंबर के आधार पर उनकी पहचान की, क्योंकि रात में कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिला था राम सिंह के पास जिससे पहचान हो सकती, तो उनको अज्ञात में पोस्टमार्टम के लिए दाखिल किया गया। लेकिन सुबह जब उनकी पहचान हुई है तब परिवार के लोगों को सूचना दी गई है। स्कॉर्पियो सवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है, उसके पास लाइसेंस था या नहीं था। स्कॉर्पियो जो चला रहा था उससे पूछताछ में बताया कि वो शराब के नशे में भी था। हालांकि बहुत सारी चीजें पुलिस तस्दीक कर रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी आप ये अपडेट दे रहे हैं कि स्कॉर्पियो सवार की गिरफ्तारी हो चुकी है, स्कॉर्पियो चालक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे पूछताछ लगातार जारी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, सीएम योगी ने लखनऊ सड़क हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों के समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की सीएम ने कामना की है और 4 लोगों की मौत इसमें हुई। सीएम योगी ने लखनऊ सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। देवरिया से बड़ी खबर है। देवरिया रेलवे स्टेशन से 1,26,00,000 के सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। देवरिया पुलिस ने एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से सोने के 17 बिस्किट मिले हैं। तस्कर कमर में बांधकर ले जा रहे थे सोने के बिस्किट, ये कहा जा रहा कि, और इनको दबोच लिया गया। देवरिया रेलवे स्टेशन से 1,26,00,000 के सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं और पुलिस ने एक महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों से पूछताछ होगी, दोनों से पूछताछ होगी और गिरफ्तार लोगों के पास से सोने के 17 बिस्किट मिले हैं। तस्कर कमर में बांध करके कहा जा रहा है कि सोने के बिस्किट लेकर निकलने की कोशिश में थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।